तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां नारनौल मेडिकल हॉस्पिटल में हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो हादसे के दौरान क्या कुछ हुआ है वहां पर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। नारनौल मेडिकल हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। हादसे के दौरान की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और वहां पर हमारे संवाददाता से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आखिरकार कैसे हादसा हुआ है और क्या कुछ बातें हैं जो अभी निकलकर सामने आ रही हैं। तो मेडिकल कॉलेज में बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है, और यह आवाज गांव में यह हादसा हुआ है। हादसे में बताया जा रहा है कि मजदूर की मौत हो गई है। तो नारनौल से खबर सामने आई है, टकोरियावास गांव में यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि हादसे में मजदूर की मौत भी हो गई है और पुलिस को शव भी नहीं उठाने दिया जा रहा है। कई घंटों से मजदूर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नारनौल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक मजदूर की मौत हो गई है। उसके बाद से मजदूरों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि कई घंटे से प्रदर्शन वहां पर जारी है। ये मेरा भाई है, ठीक है, मामा का लड़का हुआ है, ठीक। मेरा नाम है सोनल कुमार और हादसा हुआ, काम कर रहा था, स्टाफ ने बताया कि सरिया को बांध दो, ठीक है। वो बांध को हटा गया और बोल रहा है कि यहाँ से मतलब कि सरिया उठाया ना, तो मतलब झोल मारा ने उस खड़ा था बगल में उसी पर वो चला गया। स्टाफ यहाँ से भाग गया, वहाँ से आया जैसे भी 15 मिनट या 20 मिनट के बाद मेरे पास फोन आया, मैं आया हूँ। तो जैसे भी आया, एम्बुलेंस लगा था यहाँ पे, मतलब यहाँ से ले जाने के लिए तैयार था लोग। सर सरिया अथी हडरा आया ना, हडरा आया तो सरिया में हम लोग कारपेंटरी काम करते हैं, ठीक है, कारपेंटरी में काम करते हैं, तो सप्लाई सा काम है तो सब चीज में काम लेता है। तो हम लोग दूसरा जगह काम कर रहे थे, तो स्टाफ जो है यहाँ का जो कही इसकी, अरे उधर नहीं करो से इधर करो, यहाँ नहीं हम लोग का काम मर जाता है, तहाँ भेज दिया। तो हम लोग काम कर रहे थे हडरा में, हडरा से सरिया फंसाने लगे, तो हम कर रहे हैं कि काम ऐसा नहीं होगा सर, कुछ कम कीजिए। स्टोर डिपार्टमेंट से 32 की सरिया शिफ्टिंग कर रहे थे, ये हमारा हाइड्रा वहाँ पर यूज किया गया था, चेन लगा करके उसका एक पोर्शन शिफ्टिंग कर रहे थे, बैड लक चेन स्लिप किया और हाइड्रा डिसबैलेंस हो गया, जिसका रिजल्ट हुआ कि जो हमारा रिगर वहाँ पर दो थे, जिसमें एक नंदू यादव था, वो लेफ्ट साइड में गया, जिस साइड में बूम जो है टिल्ट हो रहा था और सडन उसके नीचे आ गया। कल शाम को एक लेबर काम करते हुए हाइड्रा के नीचे दब गया था, और उस हाइड्रा के नीचे काम करते हुए नीचे दबने की वजह से नंदू यादव नाम का एक लेबर एक्सपायर हो गया, और अभी तक उसके परिजन आए नहीं है। ये गया बिहार से बिलोंग करता है, उनके परिजन रास्ते में आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता भालेंद्र यादव इस वक्त जुड़ गए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भालेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ है और फिलहाल इस वक्त मजदूरों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि मजदूरों में काफी ज्यादा आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है। जी निश्चित तौर पर तरीका मैं आपको बताता चलूं कि नारनौल के पास में ही कोरियावास गांव के अंदर जो मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, तो वहां पर का एक हादसा है, और यहां मेडिकल कॉलेज की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके अंदर सरिया शिफ्टिंग का जो काम चल रहा था, हाइड्रा क्रेन जो मशीन है उसके माध्यम से उसको उठा उठा करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। जबकि जो शख्स जिसकी मृत्यु हुई है ये बिहार के बोध गया का रहने वाला है, और दूसरे करीब करीब इसकी 40 से 42 साल उम्र इस शख्स की बताई
बताई जा रही है। करीब ये कारपेंटर का काम करता है और इनका काम शरिया सिमटी का काम नहीं है। बावजूद यहाँ के जो ठेकेदार है उन्होंने इनको कारपेंटिंग के काम से हटा करके इसको शरिया सिमटिंग वाले काम में रखा गया और आरोप ये भी लगा रहे हैं मजदूर की हाइड्रा जो क्रेन है उसको ओवरलोड उसको भरा जा रहा था, जबकि ये मजदूर पहले से ही मना कर रहे थे कि इसमें कोई हादसा हो सकता है और उसी के चलते ये हादसा हुआ है और जिसमें इस ट्रक की मौत हो गई है। जी जी बिल्कुल भानंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कि कई घंटे से प्रदर्शन फिलहाल जारी रहा है मजदूरों की तरफ से, क्या हाल फिलहाल क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है अभी? जी बिल्कुल, ये कमर स्थिति अभी तनावपूर्ण ही है क्योंकि मजदूरों ने अभी तक उसके शव को नहीं उठाया है क्योंकि ये बिहार से गया का रहने वाला है तो इसके परिजन अभी रास्ते में आने लग रहे हैं। बिहार से बारदोल आने में समय लगता है निश्चित तौर पर, हालांकि घटना को 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उनके परिजन नहीं पहुंचे हैं। परिजन पहुंचने के बाद ही कुछ आगामी कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस की तरफ से जब हम इस बात से पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली, शिकायत मिलने के बाद ही उनको कार्रवाई जी। और इस पूरे मामले पर ठेकेदार की तरफ से क्या कुछ बात अभी तक है जो निकलकर सामने आई है? जी, इस पूरे मामले पर कोई भी शख्स सामने आने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मजदूरों का जो वहाँ के लोकल उनका कहना है कि काम करने वाले जो कंपनी के जो अधिकारी है वो अब मौके से नदारद है, यहाँ से भाग गए हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल भालेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि हादसे के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है और फिलहाल मजदूरों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। नारनौल में ये प्रदर्शन फिलहाल जारी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि शव को भी वहां से हटाने नहीं दिया जा रहा है और प्रदर्शन जो है वो मजदूरों की तरफ से लगातार जारी है, साथ ही ठेकेदार पर भी कई आरोप जो है वो मजदूर द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो नारनौल में आपको बता दें कि यह हादसा हुआ है, हादसे के दौरान मजदूर की मौत हो गई और मजदूर की मौत के बाद से आपको बता दें कि वहां पर बवाल मच गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा संख्या में मजदूर वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में काफी ज्यादा प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि कई घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, प्रदर्शन अभी तक जारी है। मौत के बाद से आपको बता दें कि बवाल मचा हुआ है और शव को अभी तक वहां से नहीं हटाया गया है, जैसा कि भालेंद्र ने हमें जानकारी दी, हमारे संवाददाता ने हमें तमाम जानकारी भी दी है। इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि जिस मजदूर की मौत हुई है उसके परिजन भी अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं, जब परिजन पहुंचेंगे उसके बाद ही बताया जा रहा है कि शव को वहां से हटाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मजदूर का शव वहीं पर रखा हुआ है और साथ ही जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। पुलिस द्वारा भी आपको बता दें कि शव को नहीं हटाने दिया जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो मजदूरों में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, ये प्रदर्शन अभी तक जारी है और इस पूरे मामले में ये भी बताया जा रहा है स्टोर कीपर को मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है जिससे ये साफ हो पाए कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन आक्रोश मजदूरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन को भी आपको बता दें कि 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी सफाई निकलकर सामने नहीं आई है कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन वही मजदूरों का यह कहना है कि स्टोरकीपर इस मौत का जिम्मेदार है। तो नारनौल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोरियावास मेडिकल कॉलेज में यह हादसा हुआ है, हादसे के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी